बिहार बोर्ड से संबंधित सूचनाओं के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। दोस्तों, अगर आप भी 2020 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक या फिर इंटर का बोर्ड परीक्षा पास किए हैं तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहां पर निकल कर के आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह पटना का पेपर है, शुक्रवार 24 जुलाई 2020 का ही यह पेपर है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि बिहार बोर्ड के प्रथम श्रेणी से पास छात्रों को 25,000 छात्रवृत्ति जो है दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम इस छात्रवृत्ति से संबंधित सभी जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं, जैसे कि यह छात्रवृत्ति आप लोगों को कैसे मिलेगा, इसके लिए आप लोगों को कहां से जो है आवेदन करना होगा, आवेदन कैसे करना होगा, सारा जानकारी आज के इस वीडियो में हम आप लोग को देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए जो है देखते हैं कि आखिर इसमें क्या जो है पूरा जानकारी दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड अपने सभी प्रथम श्रेणी से पास हुए विद्यार्थियों को 25,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति देगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है। आपको बता दें कि ऑनलाइन आवेदन लेना जो है स्टार्ट हो चुका है। तो कहां से आवेदन करना है और कैसे करना है आगे हम आप लोगों को सारा जानकारी देने वाले हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छात्रवृत्ति की राशि मिलने आए छात्र छात्राओं को आगे की पढ़ाई करने में काफ़ी जो है सहूलियत होगी। ज्ञात हो कि बिहार बोर्ड के द्वारा आयोजित 10वीं परीक्षा में इस वर्ष जो है 80% छात्र छात्राएं जो है पास हुए हैं। जो भी छात्र और छात्राएं प्रथम श्रेणी से पास हुए हैं उन्हें प्रोत्साहन के लिए बिहार सरकार उन सभी के बैंक खातों में 25,000 रुपये तक की जो है छात्रवृत्ति प्रदान करेगी। और यहां पर आप देख सकते हैं कि छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के लिए सभी प्रथम श्रेणी छात्र और छात्राएँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छात्र और छात्राएँ को जो है आवेदन करना होगा। कैसे आवेदन करना होगा आगे हम आप लोग को बताने वाले हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं .net पर होगा अब आपके सभी मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी .com का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक आज ही डाउनलोड करें .net ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बताया जा रहा है कि सरकार ने घोषणा करते हुए कहा है कि इस बार प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए छात्र एवं छात्राओं को सरकार के द्वारा बिहार स्कॉलरशिप योजना 2020 के तहत प्रोत्साहन राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। इस बार बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा में जो प्रथम श्रेणी से पास हुए हैं, और यहां पर आप क्लियरली जो है देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि ई कल्याण योजना के वेबसाइट पर आवेदन जो है आप लोगों को जो है लिया जाएगा। और यहाँ पर आप क्लियरली जो है देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि संबंधित स्टूडेंट को बिहार सरकार के ई कल्याण बिहार मुख्यमंत्री योजना, जो वेबसाइट का नाम है आप देख सकते हैं कि ekalyan.bih.nic.in पर जो है आप लोगों को जाकर उसमें मांगी जाने वाली सभी जानकारियों को भरना होगा। इसके बाद बोर्ड के द्वारा जांच कराकर छात्रवृत्ति की राशि छात्रों के बैंक खाते में भेज दी जाएगी। यहां पर आप देख सकते हैं कि आप लोगों को कहां से जाकर के जो है जो आवेदन करना है, तो वेबसाइट का नाम है ekalyan.bih.nic.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग जो है आवेदन जो है कर सकते हैं, ऑनलाइन जो है आप लोग जो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई कैसे करना है अगर आप लोग यह जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिख दीजिए कि सर जो है फॉर्म अप्लाई कैसे। आपको बता दें कि फॉर्म अप्लाई करना जो है चालू हो चुका है, तो आप लोग या तो खुद जाकर के कर लीजिए या नहीं तो कमेंट में लिख दीजिए कि सर फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, एक फॉर्म भर के दिखाइए, तो हम आप लोग को एक वीडियो बना देंगे जिसमें फॉर्म भर करके आप लोग को दिखा देंगे। तो आप लोग खुद जो है फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि फॉर्म भर के हम आपको दिखाएं तो कमेंट में लिख दीजिए कि सर फॉर्म कैसे भरना है, इस पर एक वीडियो बना दीजिए, तो हम आप लोग को जो है वीडियो बना करके दे देंगे, तो वहाँ से आप लोग खुद भी भर सकते हैं। आज का जानकारी कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और इस सही जानकारी को सभी स्टूडेंट में जो है अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उस वीडियो के नीचे अगर लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि छात्रवृत्ति से संबंधित कोई भी जानकारी निकल करके आएगा तो हम आप लोग को सबसे पहले बताएंगे।